जो भी चाहिए Z5 ऐप पर पाइए। बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। दीदी नक्श ने इनकार कर दिया तो? अरे तू भी क्यों परेशान हो रही हो? हाँ और क्यों इनकार करेगा नक्श? तुम इतनी प्यारी हो, और वैसे भी मैं तो तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से नक्श तुम्हारा प्यार कबूल कर ले और तुम्हारा कैंसर भी जल्दी से ठीक हो जाए। दुआ में ना बहुत बरकत होती है। हाय पाखी, तू कितनी अच्छी है, हम तो तेरे कर्जदार हो गए हैं। मैंने ना रिमझिम को ठीक करने की कसम खा ली है। मंदिर गई थी मैं अभी प्रार्थना करने, और वहाँ पता है मुझे ना एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा मिले। मैंने अपनी रिमझिम की तकलीफ उन्हें बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर रिमझिम अपने सर के बाल मुंडवा ले ना मेरे हाथों से, और वो बाल लेकर हम बाबा के पास जाएं, तो बाबा ऐसा मंत्र फूकेंगे ना कि रिमझिम है ना तुरंत ठीक हो जाएगी। पाखी इसकी क्या जरूरत है, डॉक्टर की दवाई चल रही है ना? तो दवा अपना काम करेगी और दुआ अपना काम, और बाबा ने ना मुझे एक यंत्र दिया है मंत्र फूक के, ये सर मुंडवाने के लिए मैं लेके आई हूँ। उस तरह और फिर नेक काम में देरी क्यों करनी? आओ रिमझिम, आओ। मैं ना तुम्हारे बाल मोड़ देती हूँ, और वैसे भी कीमोथेरेपी से तो थोड़े दिनों बाद इसके बाल झड़ ही जाएंगे ना, तो अच्छा है ना बाबा के कहे अनुसार हम इसके बाल मुंड देते हैं, वो मंत्र मंत्र फूक के ना सब ठीक कर देंगे, अपनी रिमझिम है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ आओ रिमझिम। पाखी इसकी जरूरत नहीं है। पाखी अरे भाभी क्यों जरूरत नहीं है इसकी, बहुत जरूरत है, आप समझ ही नहीं रही है। अरे आओ रिमझिम आओ ना। अरे लग जाएगी तुम्हें ऐसे, तुम्हारा कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बात तो मानो, बाबा जी है ना मंत्र फूंक देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, नहीं। मेरे बात मत करना, मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं है। दीदी दीदी तुमसे झूठ बोला। यही तो सुनना चाहती थी मैं, सच। नाटक कर रहे थे ना दोनों मेरे साथ, धोखा दिया मुझे, मेरी अच्छाई का फायदा उठाया, और मुझे नक्श से झूठ बुलवा रहे थे। कैसे रो रही थी आप मेरे सामने, और आपने कहा कि आपकी आपकी प्यारी बहन मरने वाली है। बेवकूफ बनाया मुझे। हाँ बनाया बेवकूफ।